अरे भाई साहब भयंकर जंगल है तो। प्लीज फॉलो हिम, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मटी कैरी, अरे वाह क्या बात। ये देख लो भाई क्या जंगल है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज के 7:55 और हम गोस्ट स्टॉप में रुके हुए थे। कहाँ जा रहे हैं अपन? मंडल पट्टी जा रहे हैं। क्या मस्त फॉग है यार कुर्ग में, ऐसा तो रोज ही सुबह होता होगा। ये अंशुल भाई है और ये संकेत भाई है। He's from Maharashtra. He's from Lucknow. What a beautiful weather today in the morning. 8 o'clock. 6:08 बज गए। अपनी ट्रिप के हो गए 291 किलोमीटर्स और अपन जा रहे हैं मंडल पट्टी पीक। मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है, लेकिन आज सनराइज़ के लिए जाने का सोच रहे थे। हमारी होगी सनराइज़ के लिए जाने का सोच रहे थे, लेकिन सनराइज़ तो थोड़ा मुश्किल ही था क्योंकि इतना फॉग था कि सनराइज़ दिखना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन दिस इज़ कुर्ग सिटी। काफ़ी पीछे रह गए लोग, लगभग 49 मिनट्स की ड्राइव बता रहा है। कुर्ग इज़ द नेम गिवन बाय ब्रिटिश। क्लब महिंद्रा भी यहाँ पे 5 किलोमीटर्स के बाद माउंट आगा। और डेफिनेटली आई रिकमेंड कि आप भी आओ तो बिल्कुल हॉस्टल में ही रुकना, और डॉर्मेटरी में रुको तो बेस्ट है। रूम वूम ठीक है, प्राइवेसी के लिए आपको चाहिए तो रख लो, लेकिन अगर हो सके तो डॉर्मेटरी में रुकना। उसमें जो मज़ा है ना, लोगों से इंटरेक्शन होगा, लोगों से मिलोगे, बात करोगे, विल सी हाउ मेनी टाइप ऑफ पीपल अराउंड, कैसे लोग ट्रैवल करते हैं, यू कैन गेट लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट। तो हमने तो बहुत ही फ़न किया, हमने तो ग्रुप बना लिया तो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हम। तो चारों हम जा रहे हैं और क्या व्यू है, मस्त। मतलब पूरे रास्ते में ऐसे ही व्यू मिलने वाले हैं। कैसे जंगल के बीच में आ गए, क्या बात है। और भाई साहब भयंकर जंगल है ये तो, भयंकर। आए हाय रोड। कहाँ आ गए हम तो फुल ऑफ रोड। क्या व्यू है आए। सही में रास्ता काफी अच्छा है यहाँ पे ना। वो भाई साहब रास्ता अच्छा है, कुछ बहाने तो तूने और अच्छा बना दिया। Oh,
बहुत ही मस्त व्यू था। ये देखो पीछे यार, मजा आ गया। हाय अंशुल भाई। ओह आई एम अंशुल फ्रॉम यूएसए, आई एम अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, सो आई एम एंजॉयिंग विद हिज कंपनी। प्लीज फॉलो हिम, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो यार बहुत बढ़िया है, जाओ यार यहाँ पे आओ एक बार, मजा करो, बाइक लेके आओ अपनी यार। कहाँ जाता है? मटकेरी। अरे वाह क्या बात है। ये आप क्या कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तोता। आज हम जा रहे हैं सबसे पहले मॉनेस्ट्री, यहाँ पे बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है, 50 मिनट्स की राइड है, ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर्स दूर है, वहाँ पे जाएंगे। हम आ गए नेमरोलिंग मॉनेस्ट्री, काफी सुंदर है। This is done. We are going to meet the other riders. Dubre Elephant Camp. We are going here today. अच्छा जो भी है बहुत अच्छा है, काफी मस्त रोड है, हर जगह जाओ आप, पार्किंग के तो पैसा सब जगह लगते हैं। सामने अपने एलिफेंट कैंप है, जाते हैं। क्या बात है, वोटिंग वोटिंग भी हो रही है यहाँ पे तो, क्या बात है। ये दुबारे एलिफेंट कैंप है, हम पूरा रिवर क्रॉस करके आए फ्रॉम देयर टू हियर। दिस वाज सो फन एक्चुअली, बहुत मज़ा आया, बहुत स्लिपरी स्टोन्स थे। आप अब दोस्तों के साथ आओ, फुल चिल मारो यहाँ पे और केयरफुली क्रॉस करो। रिस्क तो है, दो तीन बार मेरे दोस्त स्लिप हो गए थे, बट ठीक है, थोड़ी बहुत चोट आ जाती है, लेकिन इट्स सो एडवेंचरस। डेफिनेटली शुड कम हियर, इस दुबारे एलिफेंट कैंप। लेट्स गो। दो है, तीन, चार, एलिफेंट कैंप जाके आए, मस्त मजा आ गया, पूरा हमने रिवर क्रॉस किया। तो आज हम जा रहे हैं हॉस्टल, ये कल तो हमारा जो गोस्ट स्टॉप था, आज हॉस्टल है। अभी पैक करके हॉस्टल जाते हैं, उसकी वाइब एंजॉय करते हैं। तो चलो आपको हॉस्टल के नज़ारे दिखा देते हैं। यह दिस इज हॉस्टल, सो वी स्टेड, कल रात को हम यहीं रुके थे। यहाँ पे पास में पार्किंग, काफ़ी जंगल वाला एरिया, पूरा जो रास्ता है वो फॉरेस्ट रास्ता है। लगभग 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। रात को अगर ट्रैवल करो तो मतलब यू माइट हैव एंजाइटी कब कब आएगा कब आएगा, बट वी इंजॉयड अ लॉट। हाँ काफ़ी दोस्त बनाए हमने यहाँ पे। तो ये ऐसा रास्ता है पूरा, बहुत लंबा, लगभग 2 किलोमीटर तक। और आसपास में यहाँ पार्किंग है, वहाँ पे भी पार्किंग है। इधर हॉस्टल की 3 बिल्डिंग है, ये शेयरिंग वाली है, पीछे प्राइवेट वाली है, और एक शायद होम स्टे ऐसा कुछ है। और काफ़ी अच्छी वाइब थी, थोड़ा आउटकट में है, अगर आपको कहीं जाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो मैं लास्ट टाइम गो स्टॉप में रुका था तो वो सिटी से ज़्यादा एक्सेसिबल है, वहाँ पर जाना तो वहाँ जा सकते हैं। Thank you.
ओके बस चले बाय बाय हॉस्टल लेट्स गो। जय बजरंगबली। ये देख लो भाई क्या जंगल है यहाँ पे। और चेन लूप में बोल रहे हैं कि ये जो होते हैं नॉर्मल लिक्विडिक होते हैं, कुछ आते हैं वैक्स बेस्ड। तो वैक्स बेस्ड अगर आप चेन लूप लगाओगे ना तो वो क्या होता है कि चिपक जाता है, और जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते हो विद द हीट जनरेट जो होती है उससे वो फिर पिघल के चेन पे लगता रहता है। ये रही अपनी गाड़ी, रुक गए ब्रेकफास्ट के लिए, और लिया है वड़ा इडली प्लेट। है बैंगलोर के लिए अराउंड कितना किलोमीटर है, 144 190 किलोमीटर है। 140 तो मैसूर से है ना।